गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मैं आपको समझा दूं। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द मैप गिवन बिलो। यहाँ पे जो मैप दिया है उसके फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम कोमोस होम टू मोहित होम। सो हियर इज कोमोस होम, कोमो का घर है, यहाँ मोहित का घर है। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है इंडिकेट द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम कोमोज होम। तो कोमोज होम से मोहित का जो घर है वहां का शॉर्टेस्ट रूट। तो देखो बहुत सारे रूट है, यहां से ऐसे घूम के भी जा सकते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, बहुत सारे वे है। तो आपको शॉर्टेस्ट रूट इंडिकेट करना है तो पहले कौन सा आएगा? तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आपको यहां से जाना है, शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? दिस वन। तो पहले क्वेश्चन में आप ऐसे पेंसिल से स्केल और पेंसिल लेके ये इंडिकेट करोगे, यहां से यहां ये लाइन ड्रॉ करनी है। इंडिकेट द लॉन्गेस्ट रूट फ्रॉम मोहित होम टू कोमोस होम, सबसे लंबा वे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मोहित के घर, यहां मोहित से होम से कोमोस होम के लिए ऐसे पूरा घूम के आप यहां से यहां आ सकते हो। लॉन्गेस्ट रूट क्या है? दिस वन। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट। देन थर्ड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन मोहित गो टू कोमोस होम। कितने रास्तों से मोहित गो टू कोमोज होम, कोमो के घर जाया जा सकता है? इंडिकेट देम ऑल इन द मैप। कितने वेज है? फोर वेज। कौन से? तो दो तो मैंने आपको दिखा है, इट इज द शॉर्टेस्ट वे एंड इट इज द लॉन्गेस्ट वे। उसके अलावा ये यहां से ऊपर से भी ऐसे जा सकता है और ये वाले रास्ते से भी जा सकता है। तो ऐसे यहां से दिस लाइन, दिस सेकंड, दिस थर्ड एंड दिस फॉर, ऐसे चार वेज हो सकते हैं उसके घर पे जाने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है तो कैसे? तो ध्यान रखो, यहां पे हमको स्केल दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर का 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर के 1 किलोमीटर, 3 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, 1.5 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 1.5 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर। तो पहले तो किलोमीटर और सेंटीमीटर दिए हैं उसको समझेंगे। सो सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करना होगा आपको? सेंटीमीटर के 1 किलोमीटर है, सो 1 1 तो 15 किलोमीटर भी क्या होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। यहां पे रियल डिस्टेंस मतलब किलोमीटर होगा, एज इट इज देखो 1 किलोमीटर के 2 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर के 2 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के हो गए? तो हमेशा आपको याद रखना है ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का 2, मतलब सेंटीमीटर डबल है और किलोमीटर हाफ है। तो सेंटीमीटर डबल है तो किलोमीटर हाफ करने होंगे, 40 का हाफ होगा 20, सो वी मस्ट राइट हियर 20 किलोमीटर। एज इट इज इन अ थर्ड, 1 किलोमीटर का ये 3 टाइम्स है, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो 3 टाइम्स है किलोमीटर से सेंटीमीटर 3 टाइम्स है, सो दिस किलोमीटर किलोमीटर से सेंटीमीटर कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। देखो हियर इज 45 मल्टीप्लाई 3, 3 5 जब 15 कैरी 1, 3 4 जब 12 प्लस 1 13, सो आंसर इज 135 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड, किलोमीटर का 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का सेंटीमीटर हाफ हो रहा है, मतलब सेंटीमीटर किलोमीटर से आधा है, सेंटीमीटर किलोमीटर से आधा है, मतलब कि किलोमीटर उससे डबल है। सो 50 सेंटीमीटर है तो किलोमीटर क्या हो गए उसके? डबल। सो 50 टू जा 100 किलोमीटर। अंडरस्टैंड, 50 टू जा 100, यहां डबल करना होगा और यहां 2 था तो उसको आधा किया। एज इट इज इन क्वेश्चन नंबर 5, 1 सेंटीमीटर इज 1.5 किलोमीटर, सो 1 सेंटीमीटर का 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 इज इक्वल टू 1, मतलब 1.5 टाइम्स है किलोमीटर। तो किलोमीटर 1.5 गुना है और सेंटीमीटर 1.5वें हिस्से का है, सो 60 मल्टीप्लाई, यहां देखो 60 जो है तो यहां ऐसे स्टेप ले सकते हो, 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? सो 1 एज इट इज, 60 नीचे जो है उसको ऊपर लिखेंगे, 1.5 ऊपर है उसको नीचे लिखेंगे। सो पॉइंट के पीछे 1 नंबर हो तो डिवाइड बाय 10 होगा, जो आगे के नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखोगे, चैप्टर नंबर 9 10 में।
सो पॉइंट की पीछे वन नंबर है, डिवाइड बाय टेन उसका ऊपर चला गया, तो 61 जा 60, 1.5 है तो 15 डिवाइड बाय 10, सो यहां कट कर सकते हो, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 क्या बचा, 4 10 जा 40, 40 सेंटीमीटर। इन लास्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर के 10 किलोमीटर मतलब 10 गुना ज्यादा है, तो 25 10 जा 250 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 किलोमीटर, सो 25 सेंटीमीटर इज इक्वल 250 किलोमीटर होगा। सो स्टूडेंट्स आपको ऐसे दो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 अपनी वर्कबुक में, और साथ साथ तैयार करते रहना है। ओके, थैंक यू।